याद है बड़े होते हुए कैसे हमारे शुभचिंतक पर्याप्त और उचित पोषण पर जोर दिया करते थे? उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि बच्चों और माताओं की देखभाल अच्छी तरह से हो। कुछ ऐसी ही भावना भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान के माध्यम से दोहराई जा रही है। न्यू इंडिया की ओर बढ़ते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में पोषण ट्रैकर को लॉन्च किया है। पोषण ट्रैकर ऐप से पोषण सेवाओं की डिलीवरी और मॉनिटरिंग अब सटीक ढंग से की जा सकेगी। टीम एनआईजे ने इस विषय में और जानने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और टेक्सटाइल मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी से बात की। हमारे लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के बाद मात्र 3 महीने की अवधि में महिला और बाल विकास मंत्रालय और माईगव की टीम ने पोषण ट्रैकर का निर्माण कर इस ट्रैकर को देश के हर आंगनवाड़ी तक पहुंचाया। मैं आभार व्यक्त करती हूं उन 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया ताकि हर आंगनवाड़ी को डिजिटल सर्विस हम प्रदान कर पाएं। इस ट्रैकर पर अब तक देश की 7 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे सम्मिलित हो चुके हैं। हमारा ध्येय है, हमारा संकल्प है कि चाहे वो प्रशासन प्रदेश का हो या ज़िले का, पोषण ट्रैकर के माध्यम से हर आंगनवाड़ी में जितने भी लाभार्थी हैं उन तक सेवा पोषण की पहुंची है या नहीं, इसको सुनिश्चित करने में पोषण ट्रैकर एक अहम भूमिका निभाएगी। सुपोषित भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पोषण ट्रैकर एक अहम कदम है और इस ट्रैकर में आंगनवाड़ी इकोसिस्टम के सभी कार्यकर्ता जो सम्मिलित हुए हैं वही इस ट्रैकर की सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ, पोषण ट्रैकर के माध्यम से 1.2 करोड़ से अधिक टेक होम राशन्स और 68.7 लाख से अधिक हॉट कुक मील्स को ट्रैक करना संभव हुआ है। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना आवश्यक ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ सुपोषित भारत के लिए अनिवार्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरे भारत में बच्चों के साथ साथ माताओं के लिए भी बेहतर पोषण की आवश्यकता पर जोर दिया है। पोषण ट्रैकर ऐप जैसी सुविधाओं से पोषण सेवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग और निगरानी की जा सकेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी समय पर डिलीवरी भी अब सुनिश्चित की जा सकेगी, कुछ उसी तरह जैसे हमारा परिवार बचपन में हमारे लिए किया करता था।